इन्वेंटिंग नहीं था ना रे। चलो सब पूछने के बाद देखना। सर सर हाँ बोलो बोलो। आज आप थोड़ा ऐसा वो कर सकते हो, क्या क्या वो आज आप थोड़ा नहीं पढ़ा सकते फिर तुम जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चिन्मय रिकॉर्डिंग कर रहा है, तुम देख लेना बाद में। आज तो तो शीट डिस्कशन था, हम करके आए हैं। वो सेकंड दूसरे हाफ में होगा। हाफ में कहाँ कितना लिखा सारा करवाया क्वेश्चन था आता है, मतलब सर्विस केमिस्ट्री आपको? क्या दिल्ली अमन को भी लिखना नहीं है ऐसा। हाँ मतलब कहाँ लिख करवाया था सरफेस केमिस्ट्री, ये बताओ। एग्जामिनेशन एग्जामिनेशन लैंग्वेज लैंग्वेज रेड जॉब सुनाई से था। चलो नेक्स्ट में कैटलिस्ट हेडिंग बना लेना। कैटलिस्ट इट कैन अफेक्ट ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन को अफेक्ट कर सकता है, मतलब रेट ज्यादा भी कर सकता है और कम भी कर सकता है, ठीक है। बट सर सर जो बुक तो निकालने दो, अभी दूसरी बुक थी। इंथैल्पी चेंज, डेल्टा एच, ये हमेशा कांस्टेंट होगा। इट डज नॉट पार्टिसिपेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, इन केमिकल रिएक्शन। ये दो ही टाइप थे वो एडॉप्शन एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म के। बस फिजिक्स ऑप्शन और केमिस्ट्री ऑप्शन था ना। नहीं, ये वो पूछ अच्छा लैंग्वेज ऑफ रहा, और रेड कोई नहीं था फ्रेंडली लैंग्वेज के अलावा ऐसा कोई। दोनों दोनों ओके सर, सो लैंग्वेज में x by m is equal to a by b उधर था कितना एट हाई प्रेशर पे। चलो देखना, अफेक्ट रेट ऑफ रिएक्शन है कि क्या है? इट कैन अफेक्ट ऑफ रिएक्शन, मतलब रिएक्शन को अफेक्ट करेगा इसका। इट कैन अफेक्ट, हाँ रेट ऑफ रिएक्शन लिख लेना, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन को क्या, इट कैन अफेक्ट रेट ऑफ रिएक्शन लिख लेना। कम भी कर सकता है और ज्यादा, देखना। और टाइप्स ऑफ कैटलिस्ट, टाइप्स ऑफ कैटलिस्ट, सबसे पहला है पॉजिटिव कैटलिस्ट, पॉजिटिव कैटलिस्ट, पॉजिटिव कैटलिस्ट, ठीक है। देखो ये होता क्या है ना, पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देता है। कैसे रेट ऑफ रिएक्शन के इंक्रीज करता है समझना आप बिल्कुल ध्यान से। जैसे कोई भी रिएक्शन होता है ना, मान लो N2+H2 और ये ट्वाइस NH3 बन गया, तो N2 और H2 में ना दो टाइप के कोलिजन चलते हैं। कितने टाइप के? दो टाइप के। एक एडी इफेक्टिव कोलिजन होता और दूसरा क्या होता है, इनइफेक्टिव कोलिजन हो गया, इनइफेक्टिव कोलिजन। एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला नहीं है ना, तो भी वो ऑर्बिटल का मिक्सिंग प्लस वाला और माइनस वाला, वैसे तो वो ये अलग है। हाँ N2H2 आपस में कोलाइड करते हैं और ये बनाता है। तो मैंने बोला दो टाइप के कोलिजन, इफेक्टिव कोलिजन और इनइफेक्टिव कोलिजन। जिस मॉलिक्यूल के बीच में इफेक्टिव कोलिजन होगा ना, वो कहाँ पे पहुंच जाएगा, प्रोडक्ट में। और जिस मॉलिक्यूल के बीच में इनइफेक्टिव कोलिजन होगा, वो कहाँ पे रह जाएगा, रिएक्ट में। समझ रिएक्टर में आया? तो इतना आ आपका गया, नोट फिर अभी मैं करता हूँ, हो हो गया। गया।
यस सर, रुकना सर एक सेकेंड, देखो ऊपर काटा है मैंने। अगर अब रिएक्टेंट वाले को ना तेरे को प्रोडक्ट में भेजना है, कहां पे भेजना है, प्रोडक्ट में। जैसे अब मैं आपको समझाता हूँ ना, यहाँ पे मान लो ये एक बाउंड्री वॉल है, 10 मीटर रख लेते, कितना है 10 मीटर, 10 मीटर चिन में आएंगे ना। अब मान लो तुम अमन और चिन में है इसमें। अरे सर उदय ठीक था, उदय भी लिख देते अभी। तो यार इसमें ना जो 10 मीटर की साइड आ गया, मतलब वो कहां पे चला गया है, प्रोडक्ट में। मान लो अमन ने क्या किया, जंप लगाया 10 मीटर, कहां पे आ गया वो, प्रोडक्ट में। इसका मतलब क्या हुआ, अमन ने के पास कौन सा होगा, रिफेक्टिव कोलिजन। अब जो चिन्मय है ना, ये कोशिश तो कर रहा है लेकिन कहां तक पहुंच पा रहा है, 8 मीटर तक, 10 मीटर। तो चिन्मय को इस बाउंड्री वॉल को क्रॉस करने के लिए कितना और डिस्टेंस की रिक्वायरमेंट है, कितने 2 मीटर। तो बेटा नीचे से अगर कोई उसको पुश कर दे, उठा दे, तो ये 2 मीटर क्रॉस कर सकता है ना ऊपर का। हाँ, समझ में आ रहा है। मान लो कोई मॉलिक्यूल है उसको प्रोडक्ट में जाना है, कोई मॉलिक्यूल है उसको कहां पे जाना है, प्रोडक्ट में जाना है। तो इस एनर्जी बैरियर को पार करेगा तब आएगा प्रोडक्ट में। तो यहां से लेकर 10 मीटर तक जो हाइट होती है ना, मतलब नीचे से लेकर ऊपर तक जो एनर्जी होगी, वो क्या होगा, थ्रीसोल्ड एनर्जी। वही थ्रीसोल्ड एनर्जी होता है, थ्रीसोल्ड एनर्जी वो एनर्जी होता है कि जिस मॉलिक्यूल के पास हो गया वो कहां पे चला जाएगा, प्रोडक्ट में। अब मान लो ना थ्रीसोल्ड एनर्जी टोटल है 200 किलो जूल, जिसके पास इनइफेक्टिव कोलिजन वाला रहा होगा वो तो कहां चला गया होगा, 200 को क्रॉस कर गया होगा ना, इफेक्टिव वाला। बट जो अगर इनइफेक्टिव वाला होगा वो उसके पास बेचारे के पास 200 तो नहीं हुआ, लेकिन कुछ ना कुछ तो होगा ना। मान लिया 180 उसके पास ऑलरेडी खुद का है, तो उसको 20 किलो जूल अभी भी घट रहा है ना। समझ में आ, तो ये जो 20 किलो जूल एनर्जी तुम प्रोवाइड करोगे ना, उसको एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। एक्टिवेट हो गया, कहां पे चला गया वो, प्रोडक्ट में। क्या बोल रहे हो, ये सारा रेड वाला भी नोट किया है, अमन चिन्मय 10 मीटर 8 मीटर, वो तो अभी समझाने के लिए मैंने लिखा था। अब ये समझ में आया ना, टोटल एनर्जी 200 क्या हो गया, 300 एनर्जी हो गया, और 20 किलो जूल क्या हो गया, 20 किलो जूल क्या हो गया, एक्टिवेशन। अब आप एक बात बताओ, यहां से मान लो कि अगर 300 एनर्जी मैंने कर दिया, कितना 300 एनर्जी की वैल्यू कर दी, 300 एनर्जी अगर कम करोगे तो एक्टिवेशन एनर्जी भी कम होगी ना। तो अब मैं आपको यहाँ पे ग्राफ बताता हूँ, तभी तो पॉजिटिव कैटलिस्ट अपन लगाएंगे। देखो ग्राफ ऐसा है, एक इधर एक इधर, वही रिएक्टेंट आया यहाँ पे। मान लो वो वाली रिएक्टेंट है ना जो प्रोडक्ट में बेचारा नहीं जा पाया, अगर कोई रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जा रहा है मतलब है कि वो एनर्जी बैरियर को क्रॉस करके गया होगा ना। तो ये वाला जो टोटल एनर्जी हो गया, ये कौन सी एनर्जी है, थ्रेशोल्ड एनर्जी है। और यहां तक तो रिएक्टेंट के पास खुद की एनर्जी है, ये यहां से यहां कौन सी एनर्जी होगी, एक्टिवेशन एनर्जी होगी। तो ये हो गया एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी। समझ में आ रहा है ना, ये एक्टिवेशन एनर्जी। और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है ना, ये ऊपर यहां लगाओ और ये यहां एनर्जी, ये वाला, ये डिफरेंस क्या कहलाता है, डेल्टा एच। समझ में आया। अगर आपने पॉजिटिव कैटलिस्ट ऐड किया, एफ ई ऐड करते हैं, तो एफ ई जैसे ही ऐड करोगे ना, तो ये जो टोटल थ्रीसोल्ड एनर्जी है ना उसको कम कर देता है। तो पहले थ्रीसोल्ड एनर्जी जो ऊपर था ना, उसके पाथ को ये कम करके थोड़ा नीचे ले आएगा। अब यहीं तक जाना होगा मॉलिक्यूल का और यहीं से प्रोडक्ट बन जाएगा। सर सर वापस पूरा समझ सकते हो ग्राफ? अब ग्राफ देखो, मैंने बोला ये रिएक्टेंट है, ठीक है। हाँ। रिएक्टेंट को कहां पे जाना है, अगर प्रोडक्ट में जाना है तो थ्रीसोल्ड एनर्जी को क्रॉस किया होगा ना। हाँ। तो ये थ्रीसोल्ड एनर्जी को जो क्रॉस कर गया, ये प्रोडक्ट में चला गया। तो ये यहां से लेके यहां तक ये टोटल एनर्जी कौन सी एनर्जी हुई, एक्टिवेशन।
और ये जीरो से लेकर के यहां तक की एनर्जी क्या हुआ, थ्रेशोल्ड एनर्जी। ओके, आपने पॉजिटिव कैटलिस्ट ऐड किया, ये एफ ही जो होता है ना इस रिएक्शन में पॉजिटिव कैटलिस्ट होता है, तो पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या करता है, थ्रेशोल्ड एनर्जी की वैल्यू कम कर देता है। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी मान लो अब नया वाला यहाँ पे आ गया, तो ऐसा नहीं कर सकता कि जो उसकी खुद की एनर्जी है वो बढ़ा दे। किसकी खुद की एनर्जी, मतलब इसमें कम क्यों करते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी, उससे अच्छा मतलब इसको बढ़ा देते ना, इसको अगर वो बढ़ा दे। Fe जो होता है ना ओवरऑल रिएक्शन, ये प्रॉपर H2 के लिए थोड़ी ना अप्लाई हुआ है, ये N2 के लिए भी हुआ है और H2 के लिए भी हुआ है। तो Fe जो ओवरऑल रिएक्शन के लिए अप्लीकेबल होता है, और ओवरऑल रिएक्शन का जो थ्रेशोल्ड एनर्जी जितना होता है उससे कम कर देता है। आप सोचो ना, अगर पहले 200 किलो जूल थ्रेशोल्ड एनर्जी था, आप कर दिया इसने कितना 150 किलो जूल पर एनर्जी, तो अब मॉलिक्यूल ज्यादा क्रॉस होंगे ना, तो ज्यादा बनेगा, तो प्रोडक्ट का ज्यादा फॉर्मेशन होगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा। अगर वो डायरेक्ट उसी को बढ़ा दे जो मतलब ये रिएक्टेंट की खुद की एनर्जी इतनी कम है, तो अगर वो उसको बढ़ा दे तो और भी ज्यादा क्रॉस हो जाएंगे ना, उसको कम करने से अच्छा है। अरे तो ये वही रिएक्टेंट है ना जो इनइफेक्टिव कोलिजन वाले है। ओ हाँ ठीक है समझ गया। अब देखो यहाँ पे आ गया 150, अब देखो अब एक्टिवेशन एनर्जी यही बचा ना बस, ये यहां से लेके यहां तक, पहले यहां से लेके यहां तक, तो जब थ्रेशोल्ड एनर्जी कम हुआ तो एक्टिवेशन एनर्जी भी कम हुआ। डेल्टा एच में कोई फर्क पड़ा क्या, नहीं ना। पॉजिटिव कैटलिस्ट का काम यही होता है कि रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करता है, वो बढ़ा देता है। कैसे बढ़ा देता है, मैंने आपको समझा दिया है, तो इट इंक्रीजेस रेट ऑफ रिएक्शन। सर ग्राफ को आप बनाना है, बनाना है ना सर, आप ये फिर से समझा सकते हो, ये व्हाइट और ये ग्रीन ग्राफ क्या है, फिर से समझाना है। हाँ मतलब थोड़ा सा, चलो देखना ध्यान से समझना आप लोग। वो ग्रीन तो तब था ना जब कैटलिस्ट ऐड कर दिया उसके बाद। हाँ अरे उसने, मैं था नहीं था अभी। कहाँ गए तेरे? अरे वो मम्मी ने बुलाया था। ये कौन सा क्लास करते हो तुम? देखना ये वाली एनर्जी जो यहां से लेके यहां तक एनर्जी है, क्या है वो, थ्रेशोल्ड एनर्जी। रिएक्टेंट मॉलिक्यूल ऊपर गया नीचे आ गया प्रोडक्ट में, ये यहां से लेके यहां तक क्या है, डेल्टा एच। ये जो थ्रेशोल्ड एनर्जी है ना, एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट है, कैटलिस्ट अभी तूने ऐड नहीं किया है ना, नहीं किया। अगर जैसे ही तुमने कहते तो ये यहाँ पे आ जाए, ये एक्टिवेशन एनर्जी को मतलब हीट करके भी प्रोवाइड कर सकते हो, ऐसा होता है ना? बिल्कुल, जैसे चाहे वैसे कर सकते हो। ओके, ये आ गया, ये वाली जो एनर्जी अब हो गई, ये क्या है, ये थ्रेशोल्ड एनर्जी है। पॉजिटिव कैटलिस्ट ऐड करते हो ना तो क्या हो जाता है, थ्रेशोल्ड एनर्जी की वैल्यू कम हो जाती है। तो ये क्या है, कैटलिस्ट में प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, ये प्रेजेंट। तो देख लो डेल्टा एच जो पहले बाद में भी वही है, इधर क्या है, यहाँ पे रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, ये एनर्जी का ग्राफ है और ये रिएक्शन कोऑर्डिनेट है। अब आप देख करके ये वाला जो यहाँ से यहाँ तक पूरा एनर्जी है ना, वो क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी, फॉरवर्ड है, और ये वाला एनर्जी क्या हो गया, इधर वाला बैकवर्ड, एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड। ये भी तो डेल्टा एच का फॉर्मूला जो होता है ना, ये एफ माइनस क्या होता है, तो निगेटिव आएगा ना या पॉजिटिव आएगा, निगेटिव आएगा, निगेटिव। तो एक्सोथर्मिक का ग्राफ है ना ये, ग्राफ एक्सोथर्मिक नोट कर लो। सर बारिश, बारिश हो रही है, देखें अभी एक बार। हाँ हो रही है, हो रही है सर। नहीं हो रही है। तेरे घर के पास नहीं हो रही है, इधर तो हो रही है। अभी थोड़ी देर पहले अच्छी आ रही थी, अभी थोड़ी रुक गई है। अभी बस माहौल ऐसा बना है, मतलब ना ऐसा लग रहा हो जाएगा छुट्टी।
बारिश पड़ रहा है, अपन गीता मंदिर में नहीं बैठे हैं, अपने अपने घर में बैठे हैं आराम से, टेंशन की कोई बात नहीं है सर। तो कल से क्लास गीता मंदिर में रखवा के कैंसिल कर दो। हाँ तेरे को ना बहुत चूल मची है, चिन्मय वाली बात सर कर दी ना इसने, चिन्मय वाली बात। चिन्मय ये माहौल समझते हो ना तुम, बोले बारिश सभी ऐसा माहौल बनाएगी, हो जाएगी हो जाएगी सर, ऐसा होगा ऐसा कैसा कर लिए तुम लोग? हाँ बोलो। हाँ ये चिन्मय प्लस कमल जैसा ये चमन हो जाएगा। अरे कर लिए कि नहीं किए तुम लोग? नहीं किए मतलब नोट। हाँ वही वो तो कर लिए सर, हम नहीं किए। देखना नेक्स्ट में ऐसा है, अब नेगेटिव कैटलिस्ट के बारे में सर रुको, वो हटाओ वो उसी में बाकी है, वो नीचे स्टेटमेंट है ना इंक्रीजेस वाला, हो गया सर। ऊपर का नोट क्या, फिर नीचे का क्या? हाँ चलो देखना, सेकंड पॉइंट है, सेकंड में ऐसा है नेगेटिव कैटलिस्ट। देखो नेगेटिव कैटलिस्ट जो होता है ना, अब ग्राफ तो सब में बनाऊंगा नहीं, the catalyst which it can decreases tere kya kar rahe ho kon schedule bache ho kya rate of reaction ab dekhna isme bahut pehle ki ye baat thi baat us zamane ki jab petrol ke andar kya milate the apan lead tetraethyl पेट्रोल में पानी मिलाते थे, अभी तो नॉकिंग कम होती तो होता क्या है ना, टेट्राइथाइल लेड जो होता है ना वो क्या करता था, नॉकिंग को रिड्यूस करता है। किसको? नॉकिंग अचानक से इंजन आवाज नहीं करने लगता है, थोड़ा सा आगे चला टे टू ऐसे करने लगता है ना इस तरह से, मतलब चेप पे होने लगता है उसमें यार, चिल्लम चिल्ली होने लगता है इंजन में, ठीक है। चिल्लम चिल्ली को रोकने के लिए क्या यूज करते थे अपन, टेट्राइथाइल लेड। लेकिन यार जब एक्सीडेंट होता था ना तो टेट्राइथाइल लेड का क्या होता था, काफी ज्यादा साइड इफेक्ट होता था, वो पेट्रोल अगर लग जाता था वहां पे और किसी का हाथ इधर उधर फट फूट गए तो उससे काफी ज्यादा साइड इफेक्टेड होती थी इससे। हाँ टेट्राइथाइल लेड से मतलब पॉइजनस टाइप का थोड़ा होता था, इस वजह से क्या कर दिया गया, इस पे बैन लगा दिया गया। तो टेट्राइथाइल लेड जो था ना एक तरह से क्या वहां पे काम करता है, नेगेटिव कैटलिस्ट की तरह काम करता था। ये नॉकिंग आवाज देखो कम ज्यादा कैसे होने लगता है ना, जैसे बाइक है, बाइक में अगर कंटिन्यूअस फ्यूल जो है कंटिन्यूअस फ्यूल जा रहा है तब तो कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन फ्यूल अगर अचानक से रुक रुक करके जा रहा है ना तो फ्यूल का क्या होता है वहां पे कंबशन होता है, अब अचानक से फ्यूल रुक गया फिर गया तो इसीलिए उसमें क्या आ जाती है, नॉकिंग आ जाती है। तो सर एक सेकंड, जुगल वेटिंग रूम में है क्या? जुगल वेटिंग रूम में। ओके तो नॉकिंग को कम करने के लिए यूज करते हैं। दूसरा सर तो ये वापस समझा दो ना, उसका मैसेज आया था टेट्राइथाइल लेड जो होता है क्या करता है, नॉकिंग को रिड्यूस करता है। बोले नॉकिंग इसलिए आती है ना क्योंकि क्या होता है जो फ्यूल है ना अगर कंटिन्यूअस मतलब प्रोसीड हो रही है इंजन में तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फ्यूल अगर रुक करके जा रहा है तो रुक रुक करके जाएगा तो फ्यूल का क्या होता है कंबशन होता है, अब फ्यूल तो एक साथ कंबशन होता है इसी वजह से आवाज आता है, चिल्लम चिल्ली होने लगता है। एक साथ नहीं गया तो
पहले जब जा रहा है तब चालू, फिर अचानक से रुक गया तो बंद हो जाएगा इंजन और उसका आवाज आता रहेगा। हाँ अचानक से जब कम्बशन होती है ना तब जाके नॉकिंग की आवाज आती है। ओके दूसरा एग्जांपल ऐसा है जो क्लोरोफॉर्म होते हैं ना, इसको अगर तूने सनलाइट के प्रेजेंस में छोड़ दिया तो सनलाइट ये टेट्राइथाइलेट स्लो कम्बशन करवाता ताकि सब एक साथ आ जाए। हाँ तो ओके नेक्स्ट है क्लोरोफॉर्म को अगर सनलाइट के प्रेजेंस में छोड़ दिए तो ये CaCl2 CoCl2 बनाता है जिसको फॉक्सजिन बोलते हैं। और ये काफी ज्यादा क्या होता है ये पॉइजनस गैस होता है ध्यान रखना। तो इस पॉइजनस गैस को रोकने के लिए ना अपन इसके अंदर क्या करते हैं CHCl3 के अंदर 1% खुद पॉइजनस होता है उससे हमें एक और पॉइजन क्यों बनाना है। क्या बोल रहे हो क्लोरोफॉर्म खुद ही टपकने में काम आता है। अब पॉइजनस अब बनाना कहाँ करेंगे, बना के किसी को लगाना है तेरे को है बस। क्लोरोफॉर्म जो होगा अगर गलती से भी छूट गया सनलाइट के प्रेजेंस में तो फॉस्जिन गैस बनने लगता है जो क्लोरोफॉर्म से भी खतरनाक होता है। तो इसीलिए क्या करते हैं अपन इसके अंदर 1% इथाइल अल्कोहल मिलाते हैं। 1% जैसे इथाइल अल्कोहल बनाओगे ना मिलाओगे ना तो क्या होता है ये जो फॉस्जिन गैस बन रहा है उसको बनने नहीं देता है। फॉस्जिन गैस को क्या होता है बनने नहीं देता है। देखो इसका कंप्लीट रिएक्शन ऐसे होता है CHCl3+O2 स्टार्टिंग में ये COCl2 तो बन जाता है लेकिन अगर जैसे ही आपने 1% C2H5OH मिलाया है ना तो ये क्या कर जाता है COCl2 जो बनता है ना उसके साथ रिएक्शन कर जाता है और उसके साथ रिएक्शन करके क्या बना लेता है ये CO हो गया OC2H5 2+HCl बनाता है। सर तो ये कैटलिस्ट कैसे हुआ ये तो रिएक्ट कर रहा है। कौन सा ये C2H5OH वाला लेकिन रिएक्शन के और मैकेनिज्म चलते हैं आगे भी एक दो प्रोसेस होते हैं वहां पे क्या होती है ये कंप्लीट निकल जाती है मतलब जितना आपने ऐड किया ना उतना फिर निकल जाता है। वापस जाता है इंटरमीडिएट पार्टिसिपेट करना चाहिए ना। अब ऐसा थोड़ा ना होगा कि पूरा एक बार चला गया फिर वापस आ गया। आपने अगर 4 ml C2H5OH यूज किया है ना तो इंटरमीडिएट में वो पार्टिसिपेट कर लेगा लेकिन एंड ऑफ द रिएक्शन फिर आपको 4 ml क्या मिल जाएंगे C2H5OH मिल जाते हैं। नोट करो हटाओ ना आप हो गया। यस सर थर्ड है अपने पास ऑटो कैटलिस्ट। ऑटो कैटलिस्ट यूज इन ऑटो रिक्शा। देखो ऑटो कैटलिस्ट जो होता है ना वो ऑटो रिडक्स काम आता है। ऑटो ऑटो चलाने में नहीं ऑटो रिडक्शन होता है ना अपने आप कम ज्यादा कर देता है। व्हेन वन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन खुद कैटलिस्ट होता है एक प्रोडक्ट बिगिंस टू एक्ट एज अ कैटलिस्ट इट इज कॉल्ड एज ऑटो कैटलिस्ट CH3COCl2H5 इथाइल एसिटेट प्लस H2O एस्टर का क्या करवाया अपन ने हाइड्रोलिसिस करवाया तो ये बन जाता है एक तो एस्टिक एसिड बन जाता है और दूसरा इथाइल अल्कोहल बन जाता है। तो ये जो होता है ना कैटलिस्ट की तरह काम करने लगता है। ये क्या हो जाता है कैटलिस्ट हो जाता है। इसी को क्या बोलते हैं अपन प्रोडक्ट का कोई भी एक पार्ट अगर क्या हो गया कैटलिस्ट की तरह काम करने लग गया तो उसको ऑटो कैटलिस्ट बोलते हैं। तो यही ऑटो कैटलिस्ट का काम करता है यहाँ पे। इसके अलावा KMnO4 प्लस C2H2C2O4 H2C2O4 प्लस में क्या H2SO4 ये आपस में जब रिएक्शन करता है तो MnSO4 प्लस K2SO4 और प्लस कितना CO2 प्लस H2O बना लेता है। ये जो MnSO4 होता है ये क्या होता है ऑटो कैटलिस्ट होता है यहाँ पे।
नोट करो आप लोग, को ऑक्सीलेटाइन बोलते हैं, C2O4 माइनस को, हाँ उसको ऑक्सीलेटाइन बोलते हैं, इसको क्या ये H2C2O लिखा हुआ है, इथेन 1,2-dioic एसिड सर, तो ऑक्सीलिक एसिड क्या होता है, यही है ना भाई, H2C2O4 सर ये तो नोट हो गया, अब हम रिजॉइन करें क्यों, ठीक है तो आज रिजॉइन नहीं करना है ना, ठीक है चलेगा सर तुम चाहो तो निकल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, चिन्मय रिकॉर्डिंग कर रहा है अभी, अगर सर आप चिन्मय को निकाल दो तो चलेगा, ये क्या बात है अमन, आपसे मजे के लिए मुझे निकाल, अब दोनों अपना मुंह बंद रखो और इधर देखो, ये नोट कर लियो, इसको हटा देना अपन, यस सर, चलो देखना बिल्कुल ध्यान से, रिएक्शन बैलेंस कर पाओगे ये वाला, एक बार ट्राई कर लेते हैं, देखो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर 3 है, यहाँ पे कितने हैं, 4 है, अब उसमें फिर से क्यों डायरेक्ट हीट एंड ट्रायल करते हैं ना, तो हीट एंड ट्रायल नहीं लगा रहे, 3 से 4 गए तो कहाँ पे गए अपन, एन फैक्टर 2 हो जाएगा ना, तो 2 इसमें लगा देते हैं, एन फैक्टर इंटरचेंज ही तो करते हैं, और इसका यहाँ पे 7 है और इसका यहाँ पे 2 है, तो इसका एन फैक्टर 5 हो गया, तो 5 यहाँ पे लगा दिया, अगर यहाँ पे आपने 5 लगाया, 2 लगाया, कार्बन टोटल देखो, मैग्नीज कितने हैं, इधर 2 है, इधर 2 है, रिएक्शन बैलेंस है, Mn बैलेंस है, कार्बन में आ जाओ, CO2 के 10, कार्बन इधर 10 है, इधर कार्बन को 10 लगे आने, 10 क्या हो गया, रिएक्शन बैलेंस हो गया, ठीक है, इधर 2 है, पोटेशियम क्या हो गया, बैलेंस हो चुका है, यहाँ पे Mn 2 है तो बस यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, SO4 कितने, 3, 2 है ना यहाँ पे सर, पर उसके आगे 2 भी तो लगाया ना, हाँ 2 है यहाँ पे, 1 है यहाँ पे, तो 3H2SO4 हो गया, अब क्या ऑक्सीजन काउंट कर लेते हैं, H2O ये 20 12 कितना, 20 12 वो तो हो गया ना SO4, हाँ SO4 हो गया, ऑक्सीजन काउंट कर रहे हैं ना, यहाँ से 8 हो गए, 8 हो गए, और ये टोटल 40 आ गया, इधर इधर देखो कितने, 8 12 हो गए, 20 32 8 कम हो रहे, तो 8 लगाओ इधर, नहीं तो कुछ गोटा होगा, हाइड्रोजन ज्यादा हो गया, कुछ गोटा नहीं है, हाँ सही है, सही है, हाँ सही है, सही है, डॉलर अल्ट्रा यही है सर, ये मतलब ऑटो कैटलिस्ट कंट्रोल कैसे करते हैं सर, प्रोडक्ट ज्यादा बन गया तो रिएक्शन को बैकवर्ड ले जाते हैं, क्या बोल रहे हो, ऑटो कैटलिस्ट काम कैसे करता है, हाँ वही प्रोडक्ट को किधर लेकर के जाता है, फिर से बैकवर्ड लेके जाता है, थोड़ा स्पीड में काम करते है, हटाऊं ना मैं इसको, मतलब ये क्या करता है, क्या ये रिएक्शन बैकवर्ड ले जाता है, तो रिएक्शन होने के बाद कैटलिस्ट आएगा तो फिर क्या फर्क, फर्क पड़ता है तभी तो ऑटो कैटलिस्ट बोले, इंस्टेंटेनियस नहीं होता है रिएक्शन, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी थोड़ी ना चलता रहता है, अभी मैं आपको मैकेनिज्म पढ़ाऊंगा ना तो उसमें समझ में आएगा कि ये कैसे फिर से रिएक्शन में इन्वॉल्व होके कैसे रेट को बढ़ा देता है, ठीक है, फिलहाल ऑटो कैटलिस्ट ये समझो कि प्रोडक्ट में कोई एक ऐसा आ जाएगा जो किसकी तरह काम करेगा, कैटलिस्ट की तरह, तो उसको अपन ऑटो कैटलिस्ट के नाम से जानेंगे, थर्ड हो गया, फोर्थ में आता है, एक ऐसा होता है प्रमोटर यूज करते हैं, उसका ऐसे वर्ड पड़ता है प्रमोटर का, कैटलिस्ट भी होता है, इंड्यूस्ड कैटलिस्ट, इंड्यूस्ड कैटलिस्ट देखने क्या होगा, व्हेन अ केमिकल रिएक्शन enhance the rate of another chemical reaction. तो उसको अपन क्या बोलते हैं, induced catalyst बोलते हैं. For example, जो sodium arsenate होता है ना,
सोडियम आर्सेनेट होता है Na3AsO3। सोडियम आर्सेनेट सॉल्यूशन इज नॉट ऑक्सीडाइज्ड बाय एयर, बट इसको क्या करते हैं अपन, एक मिक्सचर लेते हैं जिसके अंदर सोडियम आर्सेनेट भी प्रेजेंट होता है और सोडियम सल्फाइड भी प्रेजेंट होता है। अब इसको क्या करते, दोनों को एक साथ अगर आपने ऑक्सीजन क्या करवाया, ऑक्सीडेशन करवाया ना, दोनों को अगर आप एक साथ ऑक्सीडेशन करवाते हो तब जाके इसका, अगर आप सिंगल वे में करवाओगे ना मतलब इंडिविजुअल फॉर्म में, तो सोडियम आर्सेनेट का क्या हो जाएगा यहाँ पे, कम्बशन नहीं हो पाता है। लेकिन अगर ये मिक्सचर लेके करवाओगे ना तो हो जाएगा। तो दोनों का कम्बशन मैं लिख देता हूँ, जैसे Na2SO3 के लिए कम्बशन अगर आपने करवाया तो ये बन जाएगा सोडियम सल्फेट और दूसरा Na3AsO4 ASO3 है। सर सर दोनों का साथ में करवाएंगे तो जो Na2SO4 है वो कैटलिस्ट है ना, Na2SO4 कैटलिस्ट की तरह एक्ट करेगा ना, क्योंकि वो प्रोडक्ट बन गया उस रिएक्शन में। नहीं वो नहीं, ये दूसरा है, वो तो ऑटो कैटलिस्ट आप समझ रहे हो। नहीं नहीं सर, ये Na2SO3 के रिएक्शन से जो Na2SO4 आया वो इस वाले रिएक्शन में कैटलिस्ट एक्ट करेगा ना नीचे वाले में। हाँ, उसके हेल्प से ये रिएक्शन प्रोसीड हो जाती है। ओके, तो ऐसा हेल्प क्या करती है वो? यानी देखो क्या लिखा है, व्हेन ए केमिकल रिएक्शन एनहांसेस द रेट ऑफ अनदर केमिकल रिएक्शन, मतलब पहले वाला जो Na2SO4 बनता है ना इसके प्रेजेंस में ये वाली रिएक्शन और आगे बढ़ती है। और इसका नाम क्या है, सोडियम आर्सेनेट। आर्सेनिक का यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, 3। कितने, 3। हाँ। इसका प्लस 3 हो गया, इसका प्लस 3 और इसका एक का माइनस 6। तो माइनस 6, हाँ प्लस 3 सही है। और Na3AsO4 इसको क्या बोलेंगे अपन, सोडियम आर्सेनेट, और ये सोडियम आर्सेनेट। तुक्का लगाया तूने और नाइट या एट ही होता है, हाइट और एट। कौन सा होता है, Na2SO4 बनता है वो सॉलिड होता है। क्या बोल रहे हो, Na2SO4 बनता है वो सॉलिड होता है। सॉलिड ही होते हैं। बारिश हो रही है? नहीं सर। तुम लोग कितने, बारिश हो रही है क्या? आधा जामनगर में होता है। थोड़ी थोड़ी सर, थोड़ी एकदम थोड़ी है। हाँ सर, हो रही है बारिश। बारिश कितने छाटे छाटे आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। बारिश का कितना फायदा होता है, रिकॉर्डिंग भेज दूंगा। चलो रिजॉइन करते हैं सर। सर ऊपर खाना अभी नहीं लुक के दे सर। सर हाँ से बात तो करो, नहीं किया। उदय तुम्हारा नेटवर्क नोट कर लिया, पीयूष हो गया। हाँ सर। चलो देखना इसके बाद, ये फोर्थ पॉइंट के अंदर ही नोट करके आप लिख लेना, एक प्रोमोटर होता है। क्या होता है, एक प्रोमोटर स्पॉन्सर, कैटलिस्ट भी और प्रोमोटर भी। हाँ तो प्रोमोटर कैटलिस्ट के हेल्प करता है ये बेटा, प्रोमोटर्स वही है जो हर्ष भंडारी के लिए काम करता है ना। मान लो हर्ष और भंडारी दोनों एग्जाम में बैठे हैं, तो भंडारी को जो लिखने की स्पीड है ना, हर्ष के एब्सेंट में थोड़ा स्लो स्लो लिखाता है, लेकिन जैसे ही हर्ष आता है क्या करता है, भंडारी की रिएक्टिविटी बढ़ा देता है, बढ़ जाता है उसकी स्पीड। तो खुद हर्ष तो उस रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होगा, लेकिन उसका ऐसे वर्ड पड़ेगा,
जो भंडारी है कैटलिस्ट है उसकी क्या होगी लिखने की स्पीड बढ़ जाती है एग्जाम में, वो प्रोमोटर होगा, खुद तो रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होगा, लेकिन इसके प्रेजेंस में जो पहले का कैटलिस्ट है उसकी रिएक्टिविटी एक्टिविटी क्या हो जाती है बढ़ जाती है। वो कैटलिस्ट को कैटलाइज करता है। कैसे करता है अभी समझा, दो सब्सटेंस व्हिच डू नॉट themselves act as catalyst but catalyst कौन है ये पता कैसे चलता है? अभी मैं बता रहा हूँ ना, but their presence increases the activity of a catalyst. Types of catalyst में नहीं है, मतलब इंड्यूस्ड कैटलिस्ट के अंदर है, अलग से पॉइंट आप नहीं बनाओगे, एक्टिविटी ऑफ ए कैटलिस्ट आर कॉल्ड कैटलिटिक प्रमोटर या फिर कैटलाइजर बोलते हैं, कैटलिटिक प्रमोटर चलेगा, नोट कर लो आप जल्दी से और रिज्वाइन करो। अभी आप वो एग्जांपल दोगे ना मोलिबेंडम का पाउडर? हाँ वही वाला देंगे। क्यों आज के दिवाली है क्या? नहीं सर। तो होली नोट करो पहले रे। सर हो गया सर, एक बात पूछती थी, उठती उठती अफवाह आई है। हाँ पूछो ना। कि ये संडे को कुछ है? संडे को? हाँ सही है, वो रखो ना, संडे को रखो ना स्क्रीन। संडे को क्या है? कुछ नहीं है, संडे को तो छुट्टी होती है, वो तुम लोग ये चिंटू कर देना, चिंटू वाली बात। मैं सीरियस बात कर रहा हूँ चिंटू, तुम्हारे जैसे नहीं। अरे क्या है संडे को? चिंटू सीरियस है अदर देन पढ़ाई, लेकिन कुछ कुछ लीजो को लेकर ही अदर देन पढ़ाई। अरे अमन तू क्या बोल रहा था, बात तो बोल पूरी। हाँ वो हाँ मतलब इस संडे की अगले संडे है, आप समझ नहीं रहे? समझ गए ना आप मैं क्या बोल रहा हूँ? अगले संडे। ओके हाँ हाँ N2 और H2 तो वापस में रिएक्शन करते हैं ना, आपस में रिएक्शन करने के पहले दोनों एक दूसरे में क्या होते हैं, दोनों अलग अलग मॉलिक्यूल है ना N2 और H2, लेकिन देखो बनाए तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों साथ साथ है, समझ में आ रहा है? तो दोनों आकर के ना पहले सॉलिड सरफेस पे क्या होते हैं, एडजॉर्ब होते हैं, चिपकते हैं। मॉलिबेडनम पाउडर क्या करता है, यहाँ पे मॉलिबेडनम पाउडर आ जाता है, जितना गैप है ना उसको ये सरफेस एरिया बढ़ाता है, तो ये सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, फिर से बीच में हाइड्रोजन आ जाता है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल आ जाएंगे ना, तो देखो जितना ज्यादा एडजॉर्ब होगा उतना ही ज्यादा क्या हो जाता है, रेट ऑफ रिएक्शन हो जाता है। इस तरह से पाउडर मतलब करता है, एटम्स ही होंगे ना पाउडर, वो पाउडर मतलब एटम्स ही होंगे, पाउडर मतलब पाउडर होते जो तुम लगाते हो ना चेहरे में, नवरत्न थर्मिकूल पाउडर फॉर्म में होगा, सॉलिड में अगर तुमने दिए तो फिर कोई मतलब नहीं रहेगा ना, तो फिर अरे नहीं मैं बोल रहा हूँ कि ये सारे तो एटम्स ही है ना, ऊपर भी ग्रीन कलर के और फिर पाउडर। हाँ सारे एटम्स ही हैं, लेकिन अगर आपने मॉलिब्डेनम नहीं रखा था तो ये जो पिंक वाला आइटम था वहां पे नहीं आ सकते ना, नहीं आ सकते, तो रेट ऑफ रिएक्शन स्लो होती, रिएक्शन स्लो हो जाएगी, लेकिन अगर जैसे ही आपने यहाँ पे जर किए गड्ढे को भर दिया तो अब इसके ऊपर भी आदमी टिक सकता है। नेक्स्ट है, इसके बाद सर थोड़ा बरसात का मौसम है तो आप पढ़ा दो चलेगा, गाने सुनाओ क्या टिप टिप बरसा पानी करे। वो तो इजान सुना देगा, क्यों इजान? नेक्स्ट देखना अगला है, ये कौन सा पॉइंट लिख रहे थे, 4 लिख रहे थे ना, 5 में लिखना भाई, कैटलाइटिक पॉइजंस ये देखो क्या वो सब पॉइंट पे नहीं आएगा,
नहीं से मैं अगला पॉइंट बना के लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। देखो कैटेलाइटिक पॉइजन जो होंगे ना, कैटेलाइटिक पॉइजन, हाँ ये ज़ाइलिन और क्विनोलिन इसमें आते हैं ना, किसमें ये कैटेलाइटिक पॉइजन इसमें? हाँ ज़ाइलिन तो होते ही है और क्विनोलिन, क्विनोलिन भी देखना क्या बोल रहे हो अमन, क्या बोल रहा है मुझे नहीं पता, कोई नहीं वो जाने दो, काम का चीज नहीं है। इधर देखना आर सी डबल बॉन्ड ओ सी एल, इसको जनरल अगर लिखोगे ना तो असाइल क्लोराइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? असाइल क्लोराइड है। अगर आपने एच टू पी टी लगाया और एक बार इसमें लगाते हैं अपन एच टू पी टी बी एस ओ फोर और उसके नीचे जाइल, सर ये तो आज ही किया है, ये आज ही रिएक्शन किया, ये पहले मैंने आर सी डबल ओ एच बन जाता है और ये भी आर सी ओ एच, लेकिन अगर आपने बी एस में लगा दिया ना तो ये पॉइजन का काम करता है और यहीं पे रिएक्शन रोक देगा, लेकिन अगर बी एस ओ आपने नहीं लगाया ना तो ये एसिड रोकेगी, आर सी एस अल्कोहल ऑक्सीडाइज नहीं होगा, रिड्यूस होगा। सर ये हमने आज ही पढ़ा था स्कूल में, स्कूल में इसको रोजनमंड रिएक्शन बोलते हैं। हाँ यही था, यही था, पर ये हमने अलग चैप्टर में पढ़ा था, हमने ऑर्गेनिक में पढ़ा था सर, ये फॉर्मेशन ऑफ एल्डिहाइड में, उसमें भी आएगा ना? आएगा आएगा। हमारे मैम ने बी ए सफर के बाद चार और नाम लिखे थे, ज़ाइलिन, क्विनोलिन और सल्फर। चिन्मय को अब समझ में आया कि मेरे को कैसे पता चला था, हटाए ना अब। हाँ सर, यस सर, देखना एक होता है नेक्स्ट, इसके बाद है तो मतलब इसको डेफिनेशन वेफिनेशन नहीं है कैटालिटिक पॉइजंस की? नहीं कोई डेफिनेशन नहीं है तो, लेकिन जरूरत नहीं है उसकी ना। नेक्स्ट है सिक्स पॉइंट, होमोजेनियस, होमोजेनियस कैटलिस्ट, होमोजेनियस कैटलिस्ट, होमोजेनियस कैटलिस्ट क्या होगा? इसके भी डेफिनेशन की जरूरत नहीं है। व्हेन द रिएक्टेंट एंड द कैटलिस्ट आर इन द सेम फिजिकल स्टेट, ठीक है, मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट आपस में क्या होंगे, सेम फिजिकल स्टेट में होंगे, जैसे SO2 गैस प्लस में क्या O2 गैस, आपने यहाँ पे रख दिया NO गैस और बन गया क्या गैस SO3 गैस, SO3 गैस, तो ये क्या हो गया, होमोजीनियस कैटलिस्ट हो गया। लेकिन हेट्रोजीनियस में क्या, एक का फिजिकल ये जो है ना कैटलिस्ट उसको क्या करो आप चेंज कर दो, हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट कॉन्टेक्ट प्रोसेस याद करो, SO2 plus O2 V2O5 वैनेडियम पेंटाऑक्साइड, और ये जो गंध फैला रहे हो ना निकल जाओ क्लास से, ये हो गया SO3। ओ फिर आपने बोला था वैनेडियम पेंटाऑक्साइड फ्लोरेसेंट ऑक्सीजन में ब्रेक होता है इसलिए SO2 रिएक्ट करके SO3 बनेगा। चल तो ये O2 हमने सामने से डाला है कि ये वैनेडियम पेंटाऑक्साइड वाला वो नेसेंट ऑक्सीजन है? नहीं नहीं सामने से डाला है अपन ने, तो ठीक है सर, वो अमोनिया वाला भी इसमें आ जाएगा ना, आयरन मोलिब्डेनम वाला। हाँ मोलिब्डेनम सर, वो हटाऊ ना मैं? यस सर, उसके बाद करवाता मैं आपको। हो गया हाँ सर, हटा दो देखना यार ऐसा है। अब ये नेक्स्ट है अपने पास, ये जो हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट होता है ना ये कैसे काम करता है वो समझाता हूँ। जैसे गैस गैस है और Fe आ गया था सॉलिड, तो ये कैसे कैसे काम करता है ना उसका मैकेनिज्म, जिसको मॉडर्न एडजॉर्प्शन थ्योरी के नाम से जानते हैं।
हाउ कैटलिस्ट वर्क गैस वाला तो है ना वो बिल्कुल आसान होता है ना वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करके कर जाता है ऐसा सर तो कैटलिस्ट कैसा हुआ अगर रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है तो अरे मैंने बोला एंड ऑफ द रिएक्शन जो डाला वही निकलेगा ना जैसे O2 plus SO2 आपने रखा और यहाँ पे क्या हो गया NO रखे थे तो क्या बन गया था SO3 तो इसको मैं पर्टिकुलर समझा रहा हूँ ये O2 plus NO ना आपस में मिलकर के क्या बना लेता है NO2 अब ये NO2 जो होता है वो SO2 के साथ रिएक्शन करता है और इसको SO3 में भेज देता है ठीक है प्लस क्या NO रिएक्शन ऐड करो ये सफाया हो गया सब क्या बचा SO2 plus O2 SO3 इंटरमीडिएट में पार्टिसिपेट करेंगे बट एट एंड ऑफ द रिएक्शन आपको फाइनली क्या मिलेगा ये कैटलिस्ट दिखाई नहीं पड़ेगा तो ये तो आपको मैंने समझाया कि गैस गैस वाला आपस में कैसे रिएक्शन करता है बट अगर सॉलिड कैटलिस्ट होगा मतलब ये क्या था होमोजेनियस कैटलिस्ट के लिए था ना होमोजेनियस कैटलिस्ट अब V2O5 होमोजेनियस कैटलिस्ट मैं आपको हेटरोजेनियस कैटलिस्ट समझाता हूँ नोट कर लो इसको पहले ऐसा होमोजेनियस सॉलिड वाला बताओ ना क्या बोल रहे हो होमोजेनियस सॉलिड वाला हाँ तो वो होमोजेनियस कहाँ रह रहे नहीं पर सब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट भी सॉलिड हुए तो वो भी ऐसे ही पार्टिसिपेट करता है जैसे ये मतलब इंटर जैसे NO2 क्या बना इंटरमीडिएट बना है ना तो वो भी इंटरमीडिएट ही बनता है और ओके तो उसमें सॉलिड हो तो भी चलेगा हाँ ये O2 plus NO NO2 बन गया NO2 plus SO3 SO3 जो दोनों रिएक्शन को ऐड करो पहले और दूसरे को तो ये मिल गया देखो कैटलिस्ट कहीं आया ही नहीं तो कैटलिस्ट बस क्या करता है रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है बट लास्ट में अपने को क्या मिलता है ओनली रिएक्टेंट प्रोडक्ट हो गया देखना हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट में समझाता हूँ आपको हेट्रोजीनियस ये कैसे काम करता है ना वो वाला रिएक्शन समझ जाना आप N2 plus H2 और आपने क्या लगाया यहाँ पे Fe plus में क्या NH3 तो फर्स्ट ऑफ ऑल होता कुछ ऐसा है ना स्टेप वन स्टेप वन है यह स्टेप वन में ऐसा डिफ्यूजन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल मतलब ये मान लो सॉलिड का सरफेस है क्या है ये सॉलिड सरफेस है अब इसके ऊपर क्या रखा गया है यहाँ पे एक N2 है और दूसरा क्या है H2 है तो N2 और H2 धीरे धीरे ना इस सरफेस की तरफ इस पे क्या होता है एडजॉर्ब होना स्टार्ट होता है उसी को बोला है डिफ्यूजन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स ये स्टेप पहला हुआ सेकंड स्टेप में क्या हो जाते हैं स्टेप टू में एडजॉर्प्शन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल ऑन सरफेस ऑफ कैटलिस्ट ठीक है देखो ये जो सॉलिड सरफेस है ना सॉलिड सरफेस इस सॉलिड सरफेस से आकर के अब क्या लग जाएगा नाइट्रोजन गैस और H2 गैस ये नाइट्रोजन गैस और H2 गैस इसके साथ इसके सरफेस के ऊपर क्या हो गया है एडजॉर्ब हो गया है थोड़ा मैंने ऐसे दिखा दिया है कि ये इसके साथ क्या हो रखा है N2 और H2 ये सॉलिड कैटलिस्ट के साथ एडजॉर्ब हो गया है इसके ऊपर अब तीसरा मैं स्टेप थ्री यहां पे लिखता हूं स्टेप थ्री देखना स्टेप थ्री ऐसा होता है फॉर्मेशन ऑफ एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल आपको देख करके रिएक्शन देख करके आइडिया लग रहा होगा ना कि इसमें बॉन्ड बना है जो एन और एच के बीच है और यहाँ पे दोनों में इंडिविजुअल किसके किसके बीच है नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच और हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में
इसका मतलब नाइट्रोजन हाइड्रोजन में इंटरेक्शन तो हुआ होगा ना, तभी जाके तो एनएच बॉन्ड बनेगा। तो इसलिए मैंने बोला ये क्या कि फॉर्मेशन ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स कैसा, ये एन टू ये एच टू, धीरे धीरे ये जो सॉलिड सरफेस के साथ बॉन्ड बना है ये धीरे धीरे ब्रेक होना स्टार्ट होगा, और ब्रेक होकर के अब किसके साथ अटैच होना स्टार्ट होगा, हाइड्रोजन के साथ। इसी को अपन क्या बोलते हैं, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। अब जैसे ही N2 और H2 क्या होंगे, धीरे धीरे बॉन्ड बनाना स्टार्ट करेंगे, मतलब दोनों में अट्रैक्शन बढ़ेगा। तो स्टेप फोर में प्रोडक्ट फॉर्मेशन में देखो क्या हो जाएगा, अब N2 और H2 क्या होंगे, थोड़े पास पास आ जाएंगे, तभी तो बॉन्ड बनाएंगे ना। N2 और H2 क्या आ गए हैं, बिल्कुल ऐसे पास पास आ गए हैं, और इसके साथ ऐसे लगे हैं। अब स्टेप फाइव, N2 और H2 साथ आ गए, मतलब NH बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया होगा। तो धीरे धीरे अब ये क्या करेंगे, NH बॉन्ड बनने के बाद धीरे धीरे जो सरफेस कैटलिस्ट है ना उसको क्या करेंगे, ये छोड़ेंगे, वहां से डिफ्यूज होना स्टार्ट होंगे। तो स्टेप फाइव में ऐसा है, डीजॉर्प्शन होना स्टार्ट हो जाएगा। डीजॉर्प्शन मतलब सरफेस से मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे, बाहर निकलने लगेंगे। तो सरफेस से जब मॉलिक्यूल बाहर निकलने लगेंगे, तो ऐसा मैं दिखा देता हूँ कि यहाँ पे ये N2 और H2 ऐसे यहाँ पे ये सॉलिड सरफेस के साथ, देखो ये बॉन्ड मैंने नहीं बनाया, मतलब ये हट चुका है। और उसके बाद स्टेप सिक्स में क्या हो जाएगा, ये धीरे धीरे सॉलिड सरफेस से काफी दूर चल जाएंगे। तो डिफ्यूजन अवे ऑफ प्रोडक्ट, डिफ्यूजन अवे ऑफ प्रोडक्ट, ये लास्ट वाले का डायग्राम मैं बना देता हूँ ऊपर, आप ये नोट करो। टोटल ऐसे स्टेप थ्री में, स्टेप थ्री में जो बनता है उसे क्या कहते हैं, एक्टिवेशन कॉम्प्लेक्स, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स या एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल है यहाँ पे बोलेंगे, एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल, क्योंकि जो नया बॉन्ड बना है वो एन और एच के बीच में अमोनिया में, लेकिन इधर रिएक्टेंट में नाइट्रोजन अलग है हाइड्रोजन अलग है। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन में इंटरेक्शन बढ़ेगी। सर उसके लिए पहले नाइट्रोजन और हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के बीच का बॉन्ड टूटेगा ना, वो स्टेप। हाँ वो तो हाँ टूटेगा, उसके बाद ही मतलब बनता है, भी अट्रैक्शन होता है। हो गया, एक मिनट। हो गया। सर एक सेकंड। हो गया, डन, हटाएं अब। हाँ सर, ये आप डायग्राम बना रहे हैं ना स्टेप सिक्स का? स्टेप सिक्स का डायग्राम ये है, बस मॉलिक्यूल थोड़े बाहर हो जाएंगे। यहाँ पे मान लो N2 और H2 ऐसे बन गए, तो ये एरो बाहर की तरफ ऐसे लगा लेना है कि बन करके सॉलिड से बहुत दूर जा रहे हैं। ये सेम प्रोसेस कहाँ पे चलता है, जो लेते हैं अपन C2H2 और कौन सा H2 और ये प्लेटिनम, इसके प्रेजेंस में तो H2 क्या होता है, पहले इसके ऊपर एडजॉर्ब होता है, ये दोनों आपस में इंटरेक्ट होना स्टार्ट होता है, और दोनों कहां पे, प्लेटिनम सरफेस के ऊपर। ये इसी मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं। हटा दें, डन। हाँ सर, चलो देखना C2H4 बनता है ना, क्या बनता है, C2H4 बन जाता है, नहीं वो बनता है ना CH3 और क्या CH3, हाँ वो तो नहीं बन सकता, C2H2 है ना, तो क्या दिक्कत है, मतलब उसके बाद आगे जाके बनेगा कि डायरेक्ट C2H6 ही बनेगा, डायरेक्ट ही बनेंगे, मतलब फाइनल प्रोडक्ट वही होगा C3 C2H C3H3 C3CH3। हाँ सही है,
नेक्स्ट में देखना एंजाइम कैटेलिस्ट होता है जो अपने बॉडी के अंदर टाइप ही चल रहे है। हाँ ये एंजाइम कैटेलिस्ट है वो कितने टाइप वो टाइप वाइप ना वो वाला खत्म हो गया ये एंजाइम कैटेलिस्ट है अपने बॉडी के अंदर कौन सा कैटेलिस्ट इसमें बाइल नहीं नहीं वर्किंग आठवां पॉइंट होगा पॉइंट पॉइंट खत्म हो गए हैं ये कैटेलिस्ट के अंदर ही बस दूसरा है ठीक है अब वर्किंग की बात करें अगर तो वर्किंग तो होमोजेनियस और हेटरोजेनियस के लिए ही चलता है ये नेक्स्ट कैटेलिस्ट का ही एक टॉपिक है एंजाइम कैटेलिस्ट एंजाइम कैटेलिस्ट कहाँ पे होते हैं अपने बॉडी के अंदर होता है ये खाना वाना जो भी अपन खाते हैं ना डाइजेस्टिस होता है ठीक है अगर ज्यादा खाना खा लिए तो वो डाइजेस्ट नहीं होता फिर खाना क्या होता है सड़ता है पेट के अंदर और पेट के अंदर जब सड़ेगा तो क्या बनाता है वो टॉक्सिक बनाता है फिर फूड पॉइजनिंग का केस हो जाता है थोड़ा कम कम खाया करो तुम लोग एंजाइम कैटेलिस्ट जो होते हैं ना क्या बोल रहे हो नहीं कुछ नहीं रहने दो बोलते क्यों हो रहे तुम तो नहीं वहां पढ़ाने लगे थे ना तो सोचा फिर रहने दो बोल लो कोई दिक्कत नहीं बोलने के पैसे नहीं लगते जिम में बोलने के पैसे लगते फिर तो नहीं मैं बोल रहा था आपको ऐसा क्यों लगता है कि हम ज्यादा खाते हैं नहीं नहीं यही मैं बता रहा हूँ मैंने ये नहीं बोला तुम गलत समझ गए बोलेगी थोड़ा कम कम खाया करो जितना खाते हो ऐसा बोल रहा है कि सर जब पार्टी देंगे ना उसके लिए पेट में जगह बचा के रखो तो बेटा जहाँ मन करे वहां से ठूस के खा सकते हो कोई दिक्कत नहीं है आगे पीछे जिधर मन करे आपको कोई दिक्कत नहीं है ठीक है मान लिया सर पर आप ये पार्टी की बात छिड़ चुकी है तो आप बता दो ना कि आप पार्टी कब करोगे काहे का पार्टी रे पढ़ाई लिखाई कुछ करते पहली बारिश उसकी पार्टी पहली बारिश होगी उसकी पार्टी अभी पहली धूप आएगी इसके बाद उसकी पार्टी बारिश के बाद पहली रात होगी कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें तो चलेगा आप देख लो तो देखना मेरे को नहीं चलेगा ना इधर आ जाओ ये बायोकेमिकल कैटलिस्ट होते हैं मतलब बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं क्या होता है ये बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं चिन्मय ये आता है तेरे को रे उसको जरा भी निकाल सकते हो आप उसको ये सब बायोलॉजिकल कैटलिस्ट ऐसे ठीक है जैसे ना ये C12H22O11 प्लस H2O एक बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होता है जिसका नाम होता है इन्वर्टेज पैनक्रियास में से आता है अब पता नहीं कहां से आता है ये तो नहीं पता मेरे को लेकिन तो पेप्सिन नहीं कुछ पेप्सिन और रेनिन ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज बन जाते हैं ठीक है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों के सेम होते हैं स्ट्रक्चर में डिफरेंसेस होते हैं तो ये आइसोमर होता है क्या होता है ये वो फंक्शनल आइसोमर है ना दोनों एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर्स नहीं है एनोमर्स पढ़े हो डायस्ट्री आइसोमर्स पढ़े हो ना डायस्ट्री आइसोमर्स हाँ हाँ एक का डिफरेंस आइसोमर तो है C12H22O11 प्लस H2O अगर आपने इन्वर्टेज की जगह क्या लगाया माल्टेस क्या नाम तो ये बन जाता है क्या सुक्रोस फ्रक्टोज बन जाते हैं दो मोल ग्लूकोज बन जाते हैं फ्रक्टोज नहीं सर सुक्रोस और ग्लूकोज वो दोनों भी आइसोमर है नहीं दोनों मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अलग अलग है ना सुक्रोस का क्या होता है C12H22O11 तो हाँ अरे तो वही है ये शुगर है कि कार्बोहाइड्रेट है पता नहीं क्या है चिन्मय से टल्ली हो गया क्या सर ने जो बोला वही तो लिखा ठीक है तो नोट कर लो कोई दिक्कत नहीं है मैं सर हो गया हो गया डन हाँ सर डन बना डन ऐसा है इसकी प्रॉपर्टीज कि अगर तुम लोगों ने सर एक सेकेंड गया सर नेक्स्ट है देख अच्छा प्रॉपर्टीज इसका प्रॉपर्टीज सबसे पहला
ये ना हाईली स्पेसिफिक, हाईली क्या होता है, स्पेसिफिक, स्पेसिफिक मतलब क्या हो गया कि वन कैटलिस्ट कैन नॉट कैटलाइज मोर देन वन रिएक्शन, ऐसा नहीं चलते फिरते कहीं घुसेड़ दो हो जाएगा कैटलिसिस, ऐसे नहीं होता है, एक जो होगा एक ही के साथ करेंगे, ठीक है। सेकंड में इट नीड्स ऑप्टिमम टेम्परेचर, जो अपने बॉडी के अंदर होती है जो एंजाइम कैटलिस्ट होती है उसको एक पर्टिकुलर टेम्परेचर दोगे ना तभी काम करता है, जैसे फीवर ऊवर लगता है तो बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा होता है उस टाइम पे अपना बायोलॉजिकल कैटलिस्ट काम नहीं करता है, ठीक है। मुझे लगा कि और काम करता है, नहीं आप एक नॉर्मल टेम्परेचर दोगे ना उसी पे वो रहता है, अगर टेम्परेचर बॉडी का बढ़ता है तो एंजाइम कैटलिस्ट क्या होता है वो एक तरह से क्या होता है एंटीबॉडी होते है ना वो रुक डीएक्टिवेट हो जाता है, लेकिन जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है बस उनकी कहानी खत्म हो जाती है, विलुप्त हो जाते हैं, और विलुप्त होते के साथ अपने को फीवर तो ये वो फलाना ढिमका होना स्टार्ट हो जाते हैं, ओबिट कोविड सब। थर्ड पॉइंट है पीएच भी ऑप्टिमम होते हैं, ज्यादा पीएच अगर तूने खा लिया मतलब ज्यादा पीएच अगर हो गया तो क्या हो जाएगी एसिडिटी हो जाएगी, इसलिए सुबह सुबह जब ज्यादा पीएच होगा तो एसिडिटी कैसे होगी, बेसिसिटी नहीं होगी। हां सॉरी, कम पीएच पे एसिडिटी होगी, समझ गया। तो मेरे कहने का मतलब है कि अगर पीएच जो वो भी होता है ना क्या होता है फिक्स होता है 6-7 के बीच में, उससे कम ज्यादा हुआ तो फिर काम करने का नहीं, बहुत पानी खत्म हो जाएगी। ये ब्लड का पीएच उतना होता है ना 7.4 ऐसा कुछ, हां 7 पॉइंट समथिंग होते हैं, इसलिए सुबह सुबह जब भी जाएगा कॉफी पिया करो तो खाने वाने थोड़ा खा के किया करो। तो रोज खाना खाते वक्त पीएच मेजर करना चाहिए ना, क्या बोल करना तो चाहिए बहुत कुछ, लेकिन वो काम नहीं करते जो करना चाहिए, जो दिन में वो रोज दिन करते, सबको पढ़ाई भी करनी चाहिए पर सब नहीं करते ना, वही बोले ना। चलो इसको हटाए ना, यस जैसे कि हम नहीं करते। आई एम प्राउड ऑफ यू अमन, नहीं करते इसलिए प्राउड फील हो रहा है, करते तो क्या होता सर, फिर तो मतलब कुछ हो लॉक एंड की मैकेनिज्म तुम्हें आसान कर देते हैं, मेरे लॉक एंड की मैकेनिज्म, ये लॉक एंड की मैकेनिज्म बिल्कुल ये सुना सुना है सुना सुना है ना, हाइड्रोकार्बन में था ना, देखना इधर लॉक एंड की मैकेनिज्म होता है ना, जैसे एक की जो होता है वो एक लॉक में चलता है, एक लॉक में ही चलता है, ठीक है। एक की एक लॉक के लिए स्पेसिफिक होता है ना बिल्कुल, ठीक है। अब ऐसा लॉक एंड की होना चाहिए कि जो की है ना लॉक के अंदर बिल्कुल फिट हो जाए, इसको बोलते लॉक एंड की मैकेनिज्म, मतलब एक एंजाइम होगा और एंजाइम के अंदर क्या होंगे कैटलिस्ट होंगे, एक लॉक ऐसे होंगे, जैसे मैं आपको देखो बताता हूँ अभी ड्रॉ करने वाला हूँ सर, लॉक और की दोनों समझना, ये लैंग्वेज इसका इम्पोर्टेंट नहीं है, ऐसा नहीं कि कभी आ जाए तो ऐसा लगे कि ये बिल्कुल नया है। देखो ये ना एंजाइम की लगती है, एंजाइम है ये वही, और ये इधर रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, वो थोड़ा अंदर होगा, ये ऐसे हो गए, ठीक है। बीच में थोड़े देर के लिए एक इंटरमीडिएट बनता है, और आपको भी पता है कि इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल नहीं होता है, अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए क्या करता है, क्या करता है, इनमें क्या बोल रहे हो, मैंने नहीं पीयूष ने बोला, ये देखना ये क्या हो गया, इंटरमीडिएट हो गया। अब ये इंटरमीडिएट जो होगा अगर फाइनल स्ट्रक्चर में जाता है ना, तो एंजाइम तो आपने कैटलिस्ट लिया है तो जैसे है वैसे ही रहेगा, लेकिन लॉक हो जाएगा, लॉक इधर वाला ऊपर इधर वाला अलग, एक ऊपर इधर बना दिया एक नीचे, ये दोनों जो ऐसे सर्कल ये स्क्वायर दिखाई पड़ रहे हैं ना, ये क्या है प्रोडक्ट है, तो टूट जाएगा लॉक आपने, और अगर एक ही प्रोडक्ट चाहिए तो क्या बोल रहे, अरे प्रोडक्ट तो एक ही है, देखने बस बोल के आपको, हाँ सर
वो दोनों प्रोडक्ट सेम ही है ना? क्या है सेम? आवाज नहीं आ रही अच्छे से ना सर? मैं बोल रहा हूँ दोनों प्रोडक्ट सेम ही है ना? हाँ हाँ बिल्कुल सेम ही है, सिंगल प्रोडक्ट ही बने, दिखाया गया आपको बीच से ब्रेक करके। हो गया? नहीं 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 सर, ये आप चिन्मय को फिर से समझाओ, उसको नहीं आया समझ में। सर मेरे को ये क्या है, ये प्रोडक्ट तो पहले से बना हुआ ही था, ये लॉक लगा इसमें फिर दो में ब्रेक हो गया, फिर प्रोडक्ट तो प्रोडक्ट ही है। ये प्रोडक्ट ऐसा है, ये इधर है क्या प्रोडक्ट? वो बोल रहा है एक ही है वो, ये लॉक को नहीं तो मैं बोल रहा हूँ कि ये ब्रेक होने से वो अलग हो गया क्या, मतलब वो दोनों चीजें अलग है क्या? नहीं ये सेम है, ऊपर नीचे दोनों सेम है ना, ठीक है, अलग अलग नहीं है। और ये समझ लो कि रिएक्टेंट है आपका, ठीक है। नेक्स्ट एक है जियोलाइट्स, जियोलाइट का नाम सर, एक सेकंड सुना हुआ है वो सर, रुको रुको एक मिनट, सेम टू सेम है ना सर? हम जियोलाइट का फॉर्मूला बताएं? नहीं फॉर्मूला नहीं बताएंगे, यूज बताएंगे। बोलो। वो हाइड्रोजन वाले चैप्टर में यूज होता है ना, पेपर में आएगा तो से लिखोगे इट इज यूज्ड इन हाइड्रोजन चैप्टर। सर आप मार्क्स दोगे तो क्यों नहीं लिखेंगे? हाँ तो हम देंगे ना मार्क्स, भर भर के देंगे बेटा, पूरे इंडिया में टॉप कर जाओगे अभी। तो उस पेपर मार्क्स थोड़ी सर देंगे वो वाले, ठीक है। वो कुछ प्योरिफिकेशन ऑफ उसमें हार्ड वाटर वाले में देखना, सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर में यूज होता है। हम थोड़े थोड़े सही जा रहे हो, उसमें एन ए होता है ना, एन ए सिक्स होता है ना, आधा दूरा याद है। अभी करवा रहे हैं, ठीक है। अब जितने ऑप्शन है तुम लोग बोल देगे तो फिर मैं क्या पढ़ाऊंगा। ये सिलिकॉन में भी आपने बताया था लास्ट में, बताया तो था सभी जगह, अब याद नहीं है ना वो याद है कि आपने बताया था, पर क्या बताया था वो याद नहीं आ रहा है। अफसोस। कॉमनली यूज्ड, सबसे ज्यादा जो यूज करते हैं अपन, फिर भी याद नहीं। इन पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री सबसे ज्यादा वहां पे यूज करते हैं अपन, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज में, ठीक है। अल्कोहल जो होता है ना, अल्कोहल को किसमें कन्वर्ट करने के काम में आता ही है? पेट्रोल को कन्वर्ट, अल्कोहल से पेट्रोल बनाने के काम में आता ही है। ऐसा होता है? अल्कोहल जो होगा, अल्कोहल से पेट्रोकेमिकल मतलब गैसोलीन बनाने के काम में आता है ये जियोलाइट्स, इसी के कॉन्सेप्ट के ऊपर चलते हैं। ये जो केमिकली होता है ना, एलुमिनो सिलिकेट होता है, एलुमिनो सिलिकेट होता है, जिसे अगर आप SiO2 का स्ट्रक्चर बनाते हो, इसका स्ट्रक्चर बहुत सारे होते हैं, मतलब पॉलीमर टाइप होता है ना, पॉलीमर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। हाँ तो पॉलीमर फॉर्म में देखो, मैं यहाँ पे बना के बताता हूँ आपको, जैसे मान लो ये सिलिकॉन है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन सिलिकॉन, यहाँ पे हो गया ओ, एक सिलिकॉन चार ऑक्सीजन से अटैच होंगे, नीचे भी होगा तो SiO4 नहीं होगा, SiO2 क्यों है? क्या बोल रहे हो? तो SiO2 क्यों है, SiO4 नहीं होगा? होते पॉलीमर के फॉर्म में, बहुत सारे यूनिट लगे होते हैं और वो ऐसे लगे होते हैं ना कि क्या होता है, एक जो होगा एक सिलिकॉन चार ऑक्सीजन के साथ बॉन्डेड होता है, तो यहाँ पे फिर से एक ऑक्सीजन लगा दिया, फिर एक सिलिकॉन लगा दिया, ये ऐसे। आप कोई भी सिलिकॉन को हटा करके क्या लगा दो, एल्युमिनियम लगा दो, ठीक है, कोई भी सिलिकॉन को हटा करके क्या लगा दो, एल्युमिनियम लगा दो, तो इससे जो बनेगा ना, इसी को क्या बोलते हैं अपन, जियोलाइट बोलते हैं, एल्युमिनो सिलिकेट है वही जियोलाइट, नोट कर लो इसको। और इसके बाकी का कल करेंगे, बस एक लाइन
लेते हैं अभी, टाइम हो गया सर। ये एल्युमिनियम सिलिकेट जियो लाइट होता है ना? हाँ एल्युमिनियम सिलिकेट जो होता है ना वही जियो लाइट्स होते हैं। थैंक यू सर, बाय सर। ठीक है, बाय बाय सर। सर रुको रुको रुको, लिख रहे हैं बहुत, लिखते रहे पहले भी एक बार लिखे हो फिर अभी लिख रहे हो। 16 लोग कैसे होगा? क्यों तेरे को दिक्कत है क्या? नहीं दिक्कत तो नहीं है पर अजीब है। अच्छा विनीत भी है। दिक्कत है तो वो बताओ, दिक्कत तो नहीं है पर अजीब है। क्लास है ना अभी, कनाडा छुट्टी हो गई, जाओ और बारिश के मजे लो तुम। ठीक है सर, मैथ से कहाँ से मजे ले? मैथ से बाय सर। ठीक है, बाय बाय।